अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ फ्रॉम मेडिकल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 1 स्टेटस ऑफ सोशियोलॉजी की समरी बताऊंगी मैं। पूरा चैप्टर एक ही समरी पे बेस्ड और एक्सप्लेन होगा ताकि आप लोग स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए, और एंड में उसके क्वेश्चंस होंगे जो आपके टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं इन द एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इस चैप्टर में है कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान का क्या बिहेवियर है, क्या वो अगर वो ग्रुप्स में है तो उन सोशल ग्रुप्स का क्या आपस में इंटरेक्शन है, उन ग्रुप्स का क्या सोसाइटी में रोल है, वो क्या काम कर रहे हैं और उनका इंटरेक्शन किस तरह का है, अच्छा है बुरा है, उनके आपस में बिहेवियर कैसा है। तो इट्स ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में मतलब यही होता है कि आप दूसरे लोगों को समझो, उनका सोशल फंक्शन क्या है आपस में, सोसाइटी किस तरह उनके ग्रुप्स की वजह से फंक्शन कर रही है, किस तरह डेवलप हो रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। नाउ हमारे पास उस चैप्टर में सोशियोलॉजी की टर्म के बाद आता है व्हाट इज़ साइंस। साइंस का क्या मतलब होता है कि किस तरह नेचर को और इन्वेस्टिगेट करना, अंडरस्टैंड करना और लोगों को साइंटिफिक मेथड से समझना, कि किस तरह जो हमारी दुनिया है नेचुरल वर्ल्ड वो किस तरह से चल रही है, उनका क्या तरीक़ेकार है, क्या एविडेंस वगैरह है। साइंस एक नॉलेज है इस तरह की कि साइंटिस्ट जो हैं वो उस नॉलेज को पाने के लिए काफ़ी अरसे तक मेहनत करते रहते हैं लोगों की साइंटिफिक मेथड को जानने के लिए। अब जो मेन इस पूरे चैप्टर का समरी है वो ये है कि सोशियोलॉजी और साइंस कैसे आपस में डिफरेंस होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन है सोशियोलॉजी और साइंस की फील्ड में। अब डिफरेंस ये है कि सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स, कि किस तरह लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, और साइंस के बारे में मैंने आपको बताया कि साइंस क्या होता है। अब जो एक सोशियोलॉजिस्ट है वो अगर एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थ्योरी लिख रहा है तो मे बी वो कुछ अरसे बाद चेंज हो सकती है। उस थ्योरी को मानते मानते लोगों को अरसे लग जाते हैं। क्यों लगते हैं वो, कि हर किसी का बिहेवियर हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। अगर बिलफर्ड सोशियोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी निकाली है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो थ्योरी हर किसी पे इम्प्लीमेंट करे। क्यों? क्योंकि हर किसी का बिहेवियर इंटरेक्शन डिफरेंट होता है, हर किसी का आपस में इंटरेक्शन का मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो सोशियोलॉजिस्ट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक थ्योरी को पास करना और लोगों का उस थ्योरी को मानना भी। बट इसके अगर बरक्स देखें तो साइंस में अगर वो थ्योरी कोई इम्प्लीमेंट करते हैं या थ्योरी अपनी प्रपोज करते हैं किसी लोगों के सामने, तो वो लोग फौरन मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? कि इसलिए मान लेते हैं कि क्योंकि जो जितने भी लोग हैं उन सब की बॉडी एक ही तरह काम कर रही है। जब एक तरह ही काम कर रही है तो लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि सबको पता है हमारी बॉडी एक ही ने बनाई है अल्लाह ताला ने, तो उसको काम करने का तरीका भी सेम ही होगा। उसके साइंटिफिक मेथड्स अगर कोई प्रोसेस है तो वो सेम होगा, तो लोग फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो है वो साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी मतलब समझो एडवांटेज होता है लोगों से, कि वो लोग फौरन साइंस के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर देते हैं। भाई साइंस ने कहा है, साइंटिस्ट की तरफ से ये बात आई है तो ये ज़रूर सही होगी। बट सोशियोलॉजिस्ट की बात अगर कोई कहता है तो वहाँ पर बात आ जाती है लोगों के बिहेवियर्स पे, कि लोग के कोई मान रहा है तो कोई नहीं मान रहा, तो उनकी वो थ्योरीज जो है वो देना, प्रपोज करना और एक्सेप्टेंस लेना लोगों से बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है कि क्या इंसान जो है वो हमेशा एवरी टाइम जब भी उनको कोई एक एक्सपेरिमेंट में डाला जाता है एक्सपेरिमेंट में, तो क्या वो एक ही सेम रिज़ल्ट एवरी टाइम शो करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हर इंसान का, अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो हर इंसान का अलग अलग इंटरेक्शन, अलग अलग मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, या मैं समझ लो कि हर किसी का हर वक्त का माइंड, उसकी सोसाइटी इफेक्ट
जो उनके ऊपर कर रही होती है वो अलग अलग होता है। तो उससे जो सोशियोलॉजिस्ट ने अगर किसी इंसान पे या किसी पर भी एक्सपेरिमेंट किया है तो वो हर वक्त सेम नहीं आ सकता, क्यों, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स और बिकॉज ऑफ सोसाइटी। तो ये है, और समरी मैंने आपको पूरी बता दी, तो आपने समरी पे यही सारी बातें लिखनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आप जब देखेंगे, मैं आपको भी स्क्रीन पे आएगी, तो वो आप जब देखेंगे तो आप, मैं आपको जो मैंने समरी बताई है उसके सारे आंसर्स उस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे कि किस क्वेश्चन के क्या आंसर्स होने चाहिए। ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज। नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 2, सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन उससे कहते हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं होता इंडिपेंडेंटली नेचुरल वर्ल्ड में, बट लोगों ने बना लिया होता है उसको। आप कह लो कि कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया, मतलब सोशली उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंट्रीज़ वगैरह होती, तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लोगों का ग्रुप है, तो उन्होंने सोचा कि हम जो हैं वो एक जैसी चीज़ें करते हैं, हमारे जो इबादत हैं, हमारी जो बाकी कल्चर है वो सेम है, तो हम एक एज अ कंट्री रह लेते हैं। तो इस तरह चीज़ें कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गई। उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे रेसेस, लोगों ने खुद ही अपने आप को ग्रुप में सेपरेट कर लिया कि स्किन कलर्स के थ्रू, कल्चर के थ्रू, फीचर्स के थ्रू, कि अगर एशियंस अलग हैं, अफ्रीकन्स अलग हैं, कैनेडियंस अलग हो गए। इसी तरह कंट्रीज़ डेवलप होने लग गई कि अब उन्होंने म्यूचुअली एग्री करा कि भाई हम लोग इस तरह के लोग हैं, हम इस तरह वर्शिप करते हैं, तो हम एक कंट्री हो जाते हैं। तो इस तरह कंस्ट्रक्शन होती गई। और एग्ज़ाम्पल इसकी कि मनी, लोगों ने तो सोचना शुरू कर दिया कि अगर अब हमारी कंट्रीज़ बन गई हैं, अब हमारे सिटीज़ बन गए, तो अब हम ये देखेंगे कि अब हमारा कौन सा पेपर, कौन सा कॉइन हमारी कंट्री रिप्रेजेंट करेगी, तो हम उसको मनी का नाम देंगे। दिस इज़ ऑल आर अंडर सोशल कंस्ट्रक्शन, मतलब ये सब सोशल कंस्ट्रक्शंस में आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है जेंडर की, जैसे मैन और वुमेन, आदमी और एक औरत, उन्होंने अपने अपने जो डिक्टेटेड जेंडर रोल्स उन्हें बताए गए, उन्होंने डिफरेंटली करना शुरू कर दिए। तो लोगों ने जो है वो एक बना लिया कि आदमी ये काम करेंगे, औरतें ये काम करेंगी, पहले से कहीं लिखा हुआ नहीं आया था। तो ये जो सोशली चीज़ें जो हमारे कल्चर में आ गई हैं, वो हम लोगों ने ही कंस्ट्रक्शन की है, हमारे बुज़ुर्गों ने ही की है। तो दीज ऑल आर अंडर सोशल कंस्ट्रक्शन। तो आपके पास जो है वो अभी स्क्रीन पर आएगा कि आप उसकी या तो समरी लिखते हैं चैप्टर नंबर 2 की, या फिर आप इस तरह कर दें कि आप What are social constructs and how do they work on individual in society? तो मैंने ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि कंट्रीज़ किस तरह जो है वो म्यूचुअली एग्री करके सबने बनाई, मनी किस तरह बनी, रेसेस डिफरेंट कलर्स और फीचर्स पे बनना स्टार्ट होगी। तो ये सब इसी चैप्टर के अंदर आता है, ये समरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।